अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अब्दुल्लाह। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम करता हूँ। आज मैं आपको बर्गर सैंडविच बनाना सिखाऊंगा। वो आपके बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा, आपके बड़ों को भी बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अब हम बताते हैं उसके लिए कितनी चीज़ों की ज़रूरत है। अंडा, प्याज, केचप, मायोनीज, काली मिर्च और नमक। चले आए अब हम अंडा बनाने चलते हैं। थोड़ी सी ये नमक डालेंगे। अब हम थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे। अब हम प्याज डालेंगे। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। अब हम इसको फेंटेंगे। देखे नागिन, हमारा अंडा फेंटा गया। अब हम इसमें टिक्की, इसी अंडे में टिक्की फ्राई कर डालेंगे। अब हम इसको चूल्हे में डाल देंगे। देखें नाज़रीन, हमारी ये फ्राई हो रही है टिक्की। अब हम इसको यहाँ हिलाते जाएंगे, कहीं हमारी टिक्की जल ना जाए। आपने भी इसको इसी तरह ही खिलाना है कि ये जल ना जाए। गाइस, हमारी टिक्की फ्राई हो गई है। अब हम इसको रख के अंडा फ्राई करेंगे। देखे प्लेट में अब हम देखे अब हम अंडा फ्राई करने लगे हैं। देखे हमारा अंडा फ्राई हो रहा है। देखे अब हमारा अंडा फ्राई हो रहा है। हम इसको इस तरह हिलाते जाएंगे। हमारा अंडा फ्राई हो रहा है। अब हम इसको उल्टाएंगे थोड़ा सा। अब हम इसको प्लेट में रख देंगे। देखिए गाइस, हमारा टिक्की और अंडा तैयार हो गया है। अब हम ये मायोनीज और केचप को मिक्स करेंगे। हमने इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है। अब हम ये टिक्की स्लाइस, कबाब स्लाइस पे लगाएंगे। अब हम गाइस, हमारी ये लग गई है। अब हम इसके ऊपर अंडा लगाएंगे। अब हम इस पे खीरे लगाएंगे। अब हम इस पे प्याज छिड़केंगे। स्लाइस पे जो हमने मायोनीज और केचप मिक्स की थी वो हम लगाएंगे। अब देखिए, हमने इस स्लाइस पे केचप और मायोनीज का मिक्सचर लगा दिया है और अब हम ये इसके ऊपर रखेंगे। ये देखिए, हमारा ये तैयार हो गया। अब हम सैंडविच मेकर खोलेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा बस तेल लगाएंगे। अब हम इसको सैंडविच मेकर में रखेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा और तेल लगाएंगे। अब हम इसको बंद कर देंगे। अब हमने इसको बंद करके ऑन कर दिया है। अब हम इसको 10 मिनट बाद चेक करेंगे। ये देखो, हमारा बर्गर सैंडविच तैयार है। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा। बाय।